एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस की कमी हो जाना, इंटरव्यू में सब कुछ आते जाते भी एक अननेसेसरी की घबराहट हो जाना, फ्रेंड्स ये सब क्या है? ये सब है लो कॉन्फिडेंस के हमारे हमारे सिम्टम्स, राइट? फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों में लो कॉन्फिडेंस क्यों आता है और कैसे आता है। देखिए, बचपन से ही जब हम हमारे बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिव होकर हम उन्हें जगह जगह प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, हमारा मोटिव गलत नहीं होता। हमारा मोटिव है कि कहीं उनको चोट ना लग जाए, वो किसी तरह से दे शुड नॉट हार्म देमसेल्व्स, राइट? और इस सब में हम उनको वो छोटी छोटी चीजें भी नहीं करने देते जो उस एज के बच्चों के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो वहां उनके कॉन्फिडेंस पे हमारे प्यार की वजह से पहला एक नेल पड़ता है, राइट? एक पहला हथौड़ा पड़ता है और उनका कॉन्फिडेंस दब जाता है। फिर वो बड़े होके भी क्या होता है कि वो कोई भी काम करने में हर वक्त उन्हें मम्मी पापा बड़ी दीदी भैया हमेशा कोई ना कोई साथ उन्हें चाहिए होता है। सेकेंडली, अगर हम बचपन से ही बच्चों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल बना के रखें, कारण ये कि हमारे पेरेंट्स ने हम पे बहुत कंट्रोल रखा था, उन्होंने जैसा जैसा करा वैसा वैसा हमने करा, तो अब हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में रहें। एक एज तक, एक सर्टेन एज तक तो ये बिल्कुल ठीक रहता है, बच्चे आपकी बात मानते भी हैं और सब बढ़िया होता है, लेकिन धीरे धीरे ये टू मच ऑफ कंट्रोल इन देयर लाइफ, यहाँ मत बैठो, वैसे मत बैठो, ठीक से बैठो, अपने अपने पैरों को ठीक से रखो, आपने कितनी कैसी ड्रेस पहनी हुई है, आपका पेट दिख रहा है, आप इसको क्रॉप टॉप मत पहनो, इस तरीके का जो कंट्रोल है बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, ये सेकंड नेल की तरह काम करता है। स्पेशली तब जब बच्चा टीन एज में आ जाता है और वो सब करना चाहता है जो कि उसके उसकी उम्र के बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। सारे बच्चे क्रॉप टॉप पहनते हैं, या फिर हम अपने ओवर कंट्रोलिंग या ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से बार बार जब बच्चों को कुछ भी करने से रोकते हैं तो वो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है। और तीसरी चीज है दोस्तों, क्रिटिसिज्म। मतलब हर कोई क्रिटिसाइज करने को तैयार बैठा है। इस समाज ही ऐसा है कि हम चार चीजों में से तीन तो गलत ही सोचेंगे और बाकी एक में हम जब कोई तारीफ की बात होगी तो बहुत हल्का फुल्का करते हैं, लेकिन जब क्रिटिसाइज करने की बात होती है तो हम भर भर के बच्चों को ज्ञान देने में और क्रिटिसाइज करने में हम पीछे नहीं हटते, जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और लो कॉन्फिडेंस जो है वो उनमें भर देता है। तो लेकिन दोस्तों पॉइंट और बात फिर भी यही है कि अगर बच्चा ऑलरेडी लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया है, लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो गया है, तो कैसे हम उसको इस चीज से निकाल सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हमारे अवचेतन मन की ट्रेनिंग का एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे कि यूज करके हम बच्चों में ये लो कॉन्फिडेंस की जो कमी है या इसका जो शिकार बच्चे हैं उनको हम परमानेंटली इस चीज से आजादी दिला सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पेरेंट्स मेरी बात सुनिए, बात सिर्फ ये है कि बात सिर्फ स्कूल के एग्जाम्स तक के, कॉलेज के एग्जाम्स तक के नहीं है, राइट? बात है पूरी जिंदगी की, अवर लाइफ का, एंटायर लाइफ इज एग्जामिनेशन। हर मौके पे, हर दिन, हर पल हमें एक नए इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, तो उसे गुजरने के लिए सॉरी और इस मोटिव को करने के लिए कि एवरी डे इज स्ट्रगल एंड एवरी डे इज विक्ट्री, रोज सुबह आपको स्ट्रगल करनी है और रोज सुबह आपको जीतना है, बिना कॉन्फिडेंस के ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो एनएलपी की बहुत ही बेहतरीन टेक्निक के थ्रू हम लोग इस लो कॉन्फिडेंस की जो प्रॉब्लम है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरी बात ये दोस्तों कि आप लोगों के लिए मैं एक 2 घंटे का फ्री लाइव
वेबिनार कह लीजिए कि एक वर्कशॉप कर रही हूँ 12 से 2 6 फरवरी को लाइव आऊंगी मैं अपने इसी चैनल शैली मैम पे। तो और ये एक फॉर्म है जिसका लिंक दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करिए, रजिस्टर करिए। जो लोग भी अपने मोबाइल से इसे रजिस्टर करेंगे उनके पास कुछ टाइम में इस वेबिनार का लिंक पहुंच जाएगा। गूगल मीट पे हम लोग ये लिंक करेंगे जिसमें मैं ये बताऊंगी कि स्टूडेंट्स हों, हाउसवाइफ्स हों, बच्चे हों, बड़े हों, कैसे हों, एंग्जाइटी क्या चीज़ है, एंग्जाइटी क्यों होती है, उसके क्या रीजंस है, और एनएलपी की अमेजिंग और शानदार तो टेक्निक्स आपको बताऊंगी जिससे कि परमानेंटली आप लोग इस पूरे जो भी ये हमारा एंग्जाइटी जैसा शब्द है, ठीक है, इससे छुटकारा पा जाएंगे, एंग्जाइटी खत्म होगी तो लो कॉन्फिडेंस की समस्या 50% तक अपने आप खत्म हो जाती है दोस्तों। तो फिलहाल आज के उसमें सिर्फ यही कहूंगी कि ये जो लो कॉन्फिडेंस बच्चों में हो जाता है, ओवर प्रोटेक्शन, क्रिटिसिज्म और उनके जिंदगी को कंट्रोल करने की वजह से, इसको पेरेंट्स को समझना होगा, पेरेंट्स को अपनी बिहेवियर में थोड़ी सी चेंजेस लेकर आनी होगी, एंड देन आई एम श्योर बच्चों में लो कॉन्फिडेंस की कमी से वो खुद डील करेंगे। और नहीं है तो हमारे पास एनएलपी की ब्यूटीफुल टेक्निक्स है, मैं आगे आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगी। बट फिलहाल के लिए मिलते हैं हम 6 फरवरी को 12 से 2 लाइव हमारे वेबिनार में, जिसमें 1 घंटा एंग्जाइटी के ऊपर बात होगी और 1 घंटा ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आगे की भी सारी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।